आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर शिवसेना ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिवसेना ने जिला प्रमुख ने बताया कि आगरा की सभी वार्डों पर प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। जनता बढ़ती महंगाई से परेशान हो चुकी है। आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर शिवसेना ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिवसेना के जिला प्रमुख ने बताया कि आगरा के सभी वार्डों पर प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। जनता बढ़ती महंगाई से परेशान हो चुकी है और जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी। जनता के पास तमाम मुद्दे जिन्हें देख कर अपना सही प्रतिनिधि चुनकर अपनी गली मोहल्ले व शहर का विकास देखेगी। शहर की हालत बहुत खराब है। आगामी नगर निकाय चुनाव में शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़ने का काम करेगी और आगामी नगर निकाय चुनाव में शिवसेना ने जीत का दावा भी किया। नगर निकाय चुनाव नजदीक है, किस तरह की शिवसेना तैयारी कर रही है और क्या क्या प्रयास कर रही है और कौन कौन सी वार्डों पर कहां का चुनाव लड़ा जाएगा? उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में नगर निकाय चुनावों को लेकर शिवसेना अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। शिवसेना अपनी दम पर ही नगर निकाय चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों के साथ आगरा के समस्त सीटों पर शिवसेना अपनी दम पर चुनाव लड़ने का काम करेगी, क्योंकि जनता के पास आज बहुत सारे मुद्दे हैं। जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, प्रशासन में कोई जनता की बात सुनने वाला देखने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या विधायकों और मंत्रियों की बात पुलिस का दरोगा भी नहीं सुनता है। पुलिस का उत्पीड़न आम जनता के लिए है। आम जनमानस के साथ उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हर वार्डों के अंदर शिवसेना अपने शिवसैनिकों के साथ सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी और नगर निकाय चुनावों में जीत बोलकर नगर निगम में विजय का परचम लहराएगी। रात दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श।